जो लगातार सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हैं, धरनों का दौर जो है वो लगातार जारी है। एक मोहतरमा जोड़, क्या नाम आपका? अनीता मीणा। कहाँ से पहुँचे? सर सवाई माधोपुर से। पूरा मामले के बारे में बताएं। सर ये हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जब ये ज्वाइनिंग मतलब सबके लिए पोस्ट निकाली है, सबके लिए समान है, तो आधे बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी, हमको यहाँ पे क्यों सड़कों पे मतलब रोते फिरा रहे हो? मतलब सरकार से हम यही चाहते हैं, क्या हमने मतलब उनमें हमें क्या डिफरेंट है इस चीज़ का, जब मतलब अतिरिक्त विषय 3 साल की हम मतलब 3 साल स्नातक स्तर पर 3 विषय चुनने होते हैं, सरकार ने यही नियम निकाला और ये सही भी निकाला था, हम किसी कारणवश नहीं ले पाए उस टाइम, हमारे कॉलेजों में नहीं थे, हम नॉन कॉलेज गए थे, नहीं जा पाते थे, हम गाँव में से थे, तो तुम एक अतिरिक्त विषय मतलब चतुर्थ विषय के रूप में चयन करके तुम उससे मतलब बीएड कर सकते हो, उससे मतलब तुम कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, और हमने वही किया है, हमने उस एक अतिरिक्त विषय लिया है, और जब चलो डिग्री तो कोई भी ले सकता है बच्चा 1 साल तैयारी करके, कंपटीशन फाइट तो कोई नहीं कर सकता ना, वही बच्चा कर सकता है जिसमें वो उसके योग्य है, और हमने वही किया है, उन बच्चों ने भी वही किया, उन्होंने 3 साल पढ़ी है, हमने 1 साल उनसे ज़्यादा पढ़ी है, हम उनके साथ ही एग्जाम दिए, फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर के साथ फाइनल उनके साथ हमारा रिजल्ट आया, जब कंपटीशन फोरम उनके साथ भरा, हमने चालान भी वही कटाया जो उन्होंने कटाया, उनके साथ बैठा, हमारा कोई अलग कमरे में तो एग्जाम हुआ नहीं, उनके साथ हमारा एग्जाम हुआ और उनके साथ ही हमारा फर्स्ट पेपर हुआ, उनके साथ पात्रता हासिल की, फिर सेकंड मेंस का पेपर हुआ, एक भर्ती हमारी रद्द कर दी, उस टाइम एक ही पेपर होता था, फिर हमारी भर्ती को रद्द कर दिया, फिर हम 2 पेपर चुने कांग्रेस सरकार ने, फिर हम दोनों पेपर में भी चलो हम 2 पेपर देंगे, वापस तैयारी की, सिलेबस चेंज किया, सब कुछ किया, फिर हमने पात्रता हासिल की, फिर मेंस का पेपर दिया, फिर मेंस में भी उनके साथ ही हमारे आंसर किया, उनके साथ ही हमारा स्कोर कार्ड आया, उनके साथ ही हमारा मेन रिजल्ट आया, उनके साथ हमारी डीवी हुई, जब ज्वाइनिंग के लिए गए तो उनको तो ज्वाइनिंग दे दी और हमको बाहर कर दिया, क्यों कर दिया सरकार ने, क्या सरकार यही क्यों कर रही है, उनके भी वही बच्चे हमारे वही बच्चे हैं, उन्होंने जितनी पढ़ाई की है उनसे ज़्यादा हमने पढ़ाई की है, उनके पास भी इतना ज्ञान है, क्या हम मतलब मतलब इतने भटक रहे हैं ना सड़कों पर, क्यों रोते फिर रहे हैं सरकार से, हम यही चाहते हैं कि हम इसलिए बीजेपी सरकार को लेके आए हैं क्या, हम एक मंत्री ऐसा नहीं है जिसके पास गए नहीं, आज जब चुनाव आते हैं मंत्रियों के, जब तो हमारे बीच में ऐसे बैठ जाते हैं ना मतलब आम जनता बन के, और जब वो मंत्री बन जाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं जिसको हम उनके मतलब वो हो गए, हम भीख मांगते फिर रहे, और विशेष संदेश किरोड़ी लाल जी को, मैं उनके विधानसभा क्षेत्र से हूँ, क्यों नहीं सुनते वो, जब वो गए थे कल परसों गए थे हमारे गाँव में 3-4 दिन गली मोहल्लों के बारे में पूछ के, अब की बार जाना तुम सवाई माधोपुर, वो यही पूछेंगे मेरी मम्मी पापा की मेरी बेटी वहाँ पर क्यों बैठी है, हमारे के बच्चे नहीं है जो हम इतना वो करते हैं, हमें से भटक रहे, मेरे 5 साल का बच्चा हो गया 6 महीने का, कुछ छोटा मैंने जब उसको ये दिलासा दे दे कि मैंने पढ़ाई की बेटा मेरी जॉब लगेगी तब ले चलूंगी, हम पूछता है जॉब लगी तो क्यों नहीं लेके जा रही, क्या बोले कैसे बोले, हमको बीजेपी सरकार नौकरी नहीं दे रही, हमको जो जॉब जरूर दे, हम क्या भटक रहे, हमने पढ़ाई की हम भूल गए हमको क्या ज्ञान ग्रहण किया था, हम क्या बच्चों को स्कूल में जाके ये सिखाएंगे कि धरना कैसे दिया जाता है, हम यहाँ भटक रहे हैं क्यों, कोई देश उन्नति कोई नहीं कर रहा, क्या उन्नति करा देश हम जब यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारी जरूर आवाज, हमें कोई पूछता नहीं है कि तुम कहाँ रोते फिर रहे हो, जब मंत्रियों के पास जाते हैं तो किरोड़ी लाल जी के पास गए आज अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हम फिर रहे हैं रोते फिर रहे कि हम किससे मिले जाके, हमारे माँ बाप अनपढ़ है वो नहीं जानते किस चीज को, वो यही पूछते हैं जाके किरोड़ी बाबा से क्यों नहीं मिलते, मिलते हमने सफर वो दिया ज्ञापन ले लिया रख दिया, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, आपकी बार सवाई माधोपुर जाएंगे ना तो हमारे मम्मी पापा उनसे यही पूछेंगे कि क्यों ज्वाइन है हमारी बेटी, वहाँ क्यों बैठी है, गली मोहल्लों के क्या है, गली मोहल्लों के बारे में पूछते हैं, हमने इसलिए थोड़ा चुना है, हमने कांग्रेस सरकार हमने हमारे 1000 बच्चे हैं तो हमने 1000 का ही वोट नहीं दिया, हमारे परिवार वालों को वोट दिलाए नहीं, हम उन मंत्रियों को देना बीजेपी को लाना है, क्योंकि हमको 2016-18 में यही मामला था, वो बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उनको भी बीजेपी सरकारी ज्वाइनिंग देके गई थी, कांग्रेस ने हमको बिल्कुल बहुत भटकाया, लेकिन कांग्रेस को जब भी हमने चेता दिया था अगर हमको तुम बेरोजगार छोड़ गए ना तो हम कभी तुमको जीतने नहीं देंगे, और हमने जीतने भी नहीं थे, हम बीजेपी सरकार लाए, लेकिन बीजेपी सरकार जीती ना हमने बहुत मतलब खुशी का माहौल कर दिया था कि हमें बीजेपी सरकार जरूर ज्वाइनिंग देगी, लेकिन आज बीजेपी सरकार भी हमारे साथ वही कर रही है, तो बीजेपी सरकार से यही है कि हमें तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, ये धरना वरना नहीं सीखा, हम शिक्षक है, जब देश शिक्षक देश की उन्नति कर रहा है बच्चों को वो करेगा तो क्या ये सिखाएंगे स्कूल में जाके कि धरना कैसे दिया जाता है, तो हमें ज्वाइनिंग दे और जो हमारी बुद्धि है उसको हम आगे उन बच्चों में लगाइए, धरना वरना नहीं चाहिए हमको, राजनीति नहीं करनी हमको, हमको बस हमारे स्टूडेंट की हम शिक्षक बन के ही रहे और आगे बच्चों को अच्छे उन्नति कराए, तो ये बीजेपी सरकार से जल्दी नियुक्ति दे, हमें धरना वरना नहीं, हम बच्चों को छोड़ के आते हमको भी पसंद नहीं, हम शिक्षक हमने तैयारी की है, ये रोज हमें ड्रामा करना नहीं अच्छा नहीं लगता सर, ये जो कि हम सड़कों पर रोते फिर रहे हैं भीख मांग रहे हैं जैसे लग रहा है हमको, हमने तैयारी की है रात दिन एक किया है हमने, बच्चे को छोड़ा परिवार को छोड़ा सब ऐसे ही है, वो TSP क्षेत्र के बच्चे बैठे उनके क्या बच्चे नहीं है सर, सब के बच्चे हैं,
लेकिन बीजेपी सरकार से कि हमको जल्द से जल्द न्याय दे हमको। देखिए ये महिला अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, अपनी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं कि कईयों को आवंटन हो चुके हैं बावजूद इसकी नियुक्ति नहीं दी गई और नियुक्ति पत्र जो है वो यहाँ पे मांग की जा रही है। अपनी बात कहते कहते इमोशनल भी यहाँ पे हो गई थी महिला अभ्यर्थी और साफ साफ उनका कहना है कि अब हमारे पास कुछ चारा नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं उनको छोड़ छोड़ के आते हैं, बच्चे बार बार पूछते हैं, बड़े होने लगे हैं कि आप हमें साथ क्यों नहीं जाती, कहाँ क्या नौकरी करते हैं, तो हम जवाब देना नहीं बनता हमसे। हाल फिलहाल की स्थिति जो है वो यहाँ पे दस की तस है। शहीद स्मारक पर लगातार धरने हैं, वो प्रदर्शन जारी हैं। एक महिला अभ्यर्थी और बैठी हैं, क्या नाम आप? सर मीनाक्षी नाम है मेरा। इंग्लिश में मैं सिलेक्टेड अभ्यर्थी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नाम की हूँ, सिर्फ कागजों में ही सिलेक्ट हुई हूँ। अभी तक मेरे धरातल पे कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है, उन्होंने दिया नहीं है। सब हमारा सब कुछ अलॉट हो चुका है, जो नॉन एडिशनल है उन्हीं के साथ हमने पेपर दिए, सब कुछ वही किया है। मेरिट में भी आ चुके हैं, उनसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं हमारे, फिर भी हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथी जो संघ है वो लेके नियुक्तियाँ बैठे हैं और हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे सर? टीचर तो यहाँ बैठे हैं, स्कूलों में क्या भविष्य बन रहा है? कोई भविष्य नहीं बन रहा। आधे से ज़्यादा टीचर तो यहाँ बने बैठे हैं, लेवल टू बैठा है, उधर लेवल वन बैठा है, सारे तो यहीं बैठे हैं, तो टीचर्स है कहाँ? कहाँ पर हमारी पीढ़ी जाएगी? हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा जब टीचर्स यहाँ बैठे हैं? क्या हम यही सिखाएंगे कि एक प्रोसेस ऐसा चलेगा, धरना होगा, आपको पढ़ाई करनी है, यहाँ पर आके आपको धरना देना है, ये प्रोसेस होगा कि विधायकों के पास जाना, वो ज्ञापन ऐसे रख देंगे, आपका पढ़ने का कोई साकार नहीं है, आप यहाँ बैठना और धरने पे ये बैठना है जाके, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये बोलते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, आप यहाँ पर धरना स्थल पे बैठेंगे सर, और कुछ नहीं बनना हमारा। हम तो बस ये राम राज्य से यही गुजारिश करना चाह रहे हैं कि हमें तो हमें नियुक्ति दे, ज्वाइनिंग दे जल्दी से जल्दी हमें, ताकि घर पर जाए, अपने बच्चों को संभाले और हम नियुक्ति लेके कुछ तो करें आगे जाके। हम सारे नॉन एडिशनल एडिशनल का क्या मैटर है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हमने उनके बराबर ही तो सब कुछ किया है, उनकी जैसे ही हमने नेगेटिव भी क्रॉस किया। ऐसे नहीं है कि हमने एक साल में ले लिया, चार साल में लिया है सर, हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, एक्स्ट्रा पढ़ने का ही हमें यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। हमने नेगेटिव भी दिया है सर, ऐसे नहीं है कि एक पहले तो पात्रता में ही कर देते थे, लेकिन अब की बार हमने पात्रता एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी दिया है और अब की बार नेगेटिव भी हमने पार किया। अगर हमारे में योग्यता नहीं है तो हमने पास कैसे किया, ये तो हमें बताए कोई, क्यों हमारे ऊपर टैग लगा जा रहा है एडिशनल एडिशनल एडिशनल? क्या है एडिशनल मेरे को ये तो बताए। हमारे पास था नहीं सब्जेक्ट उस टाइम, तो हमने इंग्लिश में करना चाहे, सभी जो भी अपने अपने संबंधित विषय है उसी में किया है हमने, कोई गलत थोड़ी ना किया है सर। हमारे पास उस टाइम नहीं था, हमने किया है। जब हमने फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था नॉन एडिशनल वाले को, उनके साथ ही दिया था, हमारे लिए कोई अलग से पेपर नहीं बनाया कि भाई ये नॉन एडिशनल है या एडिशनल, इनके लिए अलग अलग पेपर बनाओ, सेम पेपर दिया है सर हमने। तो मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि कहाँ पर हमारी जो डिफरेंस है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, वो आप ही बता दीजिए। सरकार से ही पूछ रही हूँ, क्यों ये अधिकारी यहाँ पर बैठे बैठे बोले जा रहे हैं कि ये एडिशनल है, नहीं नहीं इनको मतलब ऐसे कर दिया दरकिनार के कोई मैटर, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, हमें ही नहीं समझ में आ रहा कि हम ऐसे क्या छूट के बैठे हैं क्या, कि समझ हमें सरकार ही बता दे कि क्या हमारी, अगर ये गलत है तो या तो जो प्रोसेस में अभी चल रहे हैं ना बच्चे उनको भी रोको। मैं तो यही बोल रही हूँ, जो पहले दिए उनको भी आपने ज्वाइनिंग दे दी और आने वाले सरकार धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियाँ करवाई जा रही है एडिशनल, तो उनको बंद करवाओ ना, हमें क्यों यहाँ पर बैठा रखा है? या तो एडिशन फाइट किया है हमने, सीधी भर्ती थोड़ी थी कि हमने चलो एडिशनल के बेसिस पे एक साल में हमने 90% मार्क्स लेके आ गए और 90% के बेस पर हमें ज्वाइनिंग दे दी। जो रीट 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें 70-30 का रेशियो था, जिसमें क्या होता था कि जो 30% थे वो सब्जेक्ट के जुड़ते थे, उसके बेस पर हमारा विवाद चला, लेकिन फिर भी हमें यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अधीन हमारे फेवर में स्टे है और उसी के अधीन हमें नियुक्तियाँ मिलनी है, विचाराधीन नियुक्तियाँ मिलनी है, लेकिन वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो यही कहना है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट ने हमें होल्ड कर ही नहीं रखा तो आप कौन होते हुए हैं? यह तो कर्मचारियों की हठकर्मिता है कि जो हमें एडिशनल का टेक लगा के हमें यहाँ पे होल्ड कर रहा है और हमें यहाँ पे धरने पे बिठा रखे हैं सर। इसलिए यही चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी, हम यही चाहते हैं कि जल्द हमें ज्वाइनिंग मिले, ताकि हमारा जो राजस्थान का भविष्य है, इंडिया का भविष्य है, वो काफ़ी उज्ज्वल हो सके, क्योंकि एक देश का भविष्य उसके टीचर्स पर निर्भर करता है। सर मैं यही बोल रही थी कि जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको भी आपने ज्वाइनिंग दे दी सरकार ने, और जो आ रहे हैं उन बच्चों को भी तो करवा रहे हैं, या तो उसको भी रोक दीजिए, आप रोक दीजिए जो एडिशनल कर रहे हैं आने वाले हम, या तो मैं यही बोलूंगी सभी को कि ना जो एडिशनल में ना उसका कोई भविष्य नहीं है, आप मत करवाओ। यूनिवर्सिटीज को बोलूंगी कि बंद करवा दो आप अपनी ये डिग्रीज जो करवा रहे हो ना, जब हम यहाँ बैठे हैं तो उनको क्या सिक्योरिटी है आगे, क्या गारंटी है कि उनको मिल जाएगी? तो या तो बंद करवाओ उनके साथ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, करोड़ों कमा रही है सर, करोड़ों जब हम यहाँ बैठे हैं तो इसका फिर फायदा क्या है? मैं तो यही बोलूंगी,
जब हमें कोई फायदा नहीं है तो आने वाले बच्चों को, हम तो जाके यूनिवर्सिटी में हमने धरना दिया था, वहाँ पर भी कोई वहाँ से बोल दिया कि ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए तो हम बुक्स यूट्यूब गूगल सब सर्च करके पढ़ सकते हैं ना सर, तो फिर हमें क्यों एडिशनल के लिए वो करवाए, आने वाले बच्चों को तो हम यही बोलेंगे फिर। यहाँ पे धरना जो है वो अपने बच्चों को या जो शिक्षक हैं वो साफ साफ कहना है कि हम बच्चों को केवल ये सिखाएंगे कि धरना कैसे दिया जाता है, आपके ज्ञापन जो है वो संबंधित विभाग जो कैसे लेके रख लेता है, विधायक जो नेता है उनको कैसे मुलाकात की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं कटाक्ष है जो सरकार की नीति है उस पर महिला अभ्यर्थी ने कर दिया है। साफ साफ कहा है कि जो शिक्षक है, जो शिक्षक वो शिक्षक है जो भविष्य बनाता है, सुधर भविष्य जो है भारत का वो बनाएगा, लेकिन हाल फिलहाल उनका खुद का भविष्य जो है वो गर्द में नजर आ रहा है। सड़कों में बैठी है महिला अभ्यर्थी, तमाम जो युवा भर्ती हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, एडिशनल डिग्री जारी हैं और नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें सीधे सही मार्ग से दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्थिति यहाँ वो है, वो एक हालात जो हैं वो अलग बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जो मांग है वो केवल और केवल इनकी की जा रही है। तो ये स्थितियाँ हालात जो हैं वो अब कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको एक चेताने का काम की यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, पिछले 1.5 से 2 महीना हुआ है और तब से ही युवा जो है लगातार और महिला वर्ग वो लगातार सड़कों पे है, आंदोलन की राह जो है हल्ला बोल दिया है इन्होंने, मोर्चा खोल दिया सरकार के विरोध में, लेकिन हाल फिलहाल भी सरकार है वो कहीं चेत नहीं रही है। इनकी जो मांग है वो मांगे जो हैं विभिन्न प्रकार की उन पर कोई बात नहीं कर रहा। सरकार के नुमाइंदे हैं, इक्के दुके नुमाइंदे यहाँ पे पहुँचते हैं और केवल आश्वासन देकर यहाँ से चले जाते हैं, ये कहना अभ्यर्थियों का है। साफ साफ उन्होंने साफ ये भी कह दिया है कि अब अगर हमारे चुनाव क्षेत्र में कोई भी नेता जाता है तो हम उसको प्रवेश नहीं देंगे और उनसे दो टूक बात वहीं पे करेंगे कि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव अप्रैल में है, चुनाव है। महिला अभ्यर्थी हमारे साथ बैठी हैं, जुड़ी हैं, बात कर लेते हैं मैडम से। मैडम क्या नाम आपका, कहाँ से पहुँची? सर मेरा नाम कुशला मीणा है, मैं टोंक निवासी आई हूँ। सर मैंने भी बीए एडिशनल किया है, 3 साल करने के बाद में प्लस अपने जो इच्छित विषय है ना उससे एडिशनल किया है, हमने 4 साल एडिशनल करके 4-5 साल से हम तैयारी करके और यहाँ तक पहुँचे हैं और हम मेरिट लिस्ट में से भी ऊपर नंबर लाने के बाद में भी यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। सर हमें जल्दी से जल्दी आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग देने की गुजारिश है सरकार से। देखिए यहाँ पे आचार संहिता लगने का डर इनको सता रहा है कि आचार संहिता में कई भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, पूर्व में आचार संहिता लग गई थी तो कई इनकी भर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे अटकी हुई थी, लेकिन हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव हैं और अगले माह में मार्च में यानी कि मार्च में आचार संहिता लगने का भय जो है उसके बाद में इनकी जो नियुक्ति की मांग है वो कहीं ना कहीं लटकने वाली है। हाल फिलहाल इनका मानस है, मोटिव है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ लग रहा है कि अब जब सरकार जो है नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले, हालात इनके दस के दस हैं। देखिए यहाँ पे जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। एक अभ्यर्थी जुड़े हैं, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है नितिन कुमार। सर ये एक ये एडिशनल के लिए मैं 2 मिनट में ब्रीफ करना चाहता हूँ। सर एडिशनल होता है 3 साल, 3 साल का बीए होता है सर, या 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। चौथे साल में चौथे वैकल्पिक विषय से सर, अनिवार्य विषय से नहीं, वैकल्पिक विषय से, जिसमें लैंग्वेज के लिए लिटरेचर सब्जेक्ट होता है सर, वही मैं कॉलेज के एग्जाम की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ सर, हमारे एडिशनल के लिए जिस सब्जेक्ट में हम एडिशनल लेते हैं उस सब्जेक्ट की एग्जाम होती है सर, वो फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम होता है उस सब्जेक्ट का, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ बैठा के हमारा एग्जाम लिया जाता है कॉलेज में, सेकंड ईयर के साथ, सेकंड ईयर के बच्चों के साथ हमें बैठाया जाता है। तो ये टोटल ये चीज़ है सर कि 4 साल में 4 सब्जेक्ट, तो इसके ऊपर विवाद बस इसी चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, इस चीज़ को गुमराह करके सर इसके ऊपर विवाद बना दिया गया है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा सरकार से और सभी से, पहले थोड़े दिनों पहले, कुछ सालों पहले बीएड सर 1 साल का हुआ करता था, आज बीएड 2 साल का होता है सर, तो क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 1 साल के बीएड वाले हैं उनको तो जो प्रोबेशन पीरियड है उनमें 23,500 दिए जाएंगे थर्ड ग्रेड के लिए, और जिन्होंने 2 साल का बीएड करके आए उनको डबल सैलरी मिलेगी? ऐसा नहीं है सर, जो जिस ग्रेड का होता है उसी पे ग्रेड में सैलरी मिलती है, चाहे वो पुराना 1 साल का बीएड वाला हो चाहे नया 2 साल वाला बीएड वाला हो। तो सर ऐसे दोहरे मापदंड अपनाना हमें युवाओं के लिए, हमें देश के मतलब
भविष्य बनाने वाले शिक्षक होते हैं हम लोग, उनके साथ ऐसा दोहरा मापदंड बना के मैनिपुलेट करके हम लोगों को रोक लिया जाना, ये बहुत गलत चीज़ है। और सर ये अधिकारी लोगों ने कांग्रेस से, कांग्रेस के टाइम में खूब पेपर लीक हुए, बहुत सारे हम सड़कों पे दौड़े, हमें ऐसे धुतकार के भगा दिया गया। आज भी सर कई अधिकारियों का ये रवैया हमारे प्रति, हमारे इंसल्ट कर देते हैं सर। हमारा डेलीगेशन मिलने जाता है अधिकारियों के पास, हमसे तभी से बात नहीं करते हैं सर, ऐसे बोलते हैं जाओ ऐसे फलाना है डीका है। और यह है कि अधिकारी लोग जहमत नहीं उठाना चाहते हैं, कोर्ट में विवाद आज से नहीं है, 2016 में जब वेटेज चालू हुआ था, उस वेटेज जिसमें स्नातक के नंबर जुड़ने थे सर, जुड़ते थे पहले, वहाँ से विवाद चालू हुआ था, तो उसे उसके लिए फिर विवाद 2016 से है सर कोर्ट में, फिर भी कोर्ट के निर्णय के अधीन 2016 वाले एडिशनल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई, 2018 वाले एडिशनल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई, इवन 2021 में जो उनकी वेटिंग आई सर उसमें भी ज्वाइनिंग दी गई। क्या कह के ऑर्डर में क्या लिखा है, हमारे पास ऑर्डर हैं सारे हैं, मंत्रियों वगैरह को हम सारे ऑर्डर वगैरह सब दिखा के आते हैं, उनमें ये कहा गया, ऑर्डर में ये कहा जाता है सर, ऑर्डर में ये लिखा है साफ साफ है, जो ऑर्डर किसका, निदेशालय जो ऑर्डर करता है ज्वाइनिंग के लिए, उसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विचाराधीन इनको ज्वाइनिंग दी जाती है। वो ऑर्डर हमारे लिए क्यों नहीं आ रहा है सर, हम पूछना चाह रहे हैं वो ऑर्डर हमारे लिए क्यों नहीं आ रहा है, हमारे पक्ष में है, हालांकि 2021 में एक कोर्ट का जो निर्णय आया था उसको बेस बनाकर हमें रोका जा रहा है, जबकि 2023 में हमने कोर्ट में लड़ा, दो साल हम कोर्ट में लड़े सब, धक्के खाए हमने, 2023 में फिर से हमारे पक्ष में एक फैसला आया जिसमें हमें मतलब रिलीफ देने की बात की गई, अंतिम रिलीफ देने तक की बात की गई है उस फैसले में, उस फैसले को उठाकर अधिकारी लोग देखना नहीं चाहते हैं, उनको मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, वो उस फाइल को उस 21 वाला जो कोर्ट का फैसला था वहीं पर रोक दिया गया है, 23 वाले की कोई बात नहीं करता है अधिकारी, मेहनत ही नहीं करना चाहता सर, जहमत ही नहीं उठाना चाहता, हमें भगा दिया जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बहुत गलत है सर, बहुत प्रताड़ना होती है सर, बहुत शोषण होता है, आर्थिक मानसिक शारीरिक परेशानी सर, क्या 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 भविष्य है सर हम लोगों का, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं और कमज़ोर हैं, ऑलरेडी कमज़ोर हैं सर, तभी सरकारी जॉब में आए नहीं, हम भी तो क्या, हम कोई अडानी और अंबानी जैसे तो हैं नहीं जो थर्ड ग्रेड के लिए सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ बैठे हैं, हमें बहुत ही मतलब आर्थिक परेशानियों के कारण ही तो हमने तैयारियाँ करी, हमने लाइब्रेरियों में ऐसे हम घिसे हैं, बहुत गलत है सर, बहुत गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से लास्ट में? सरकार से मेरी हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गुजारिश है, हमने आपका साथ निभाया, आपको हम सत्ता में लेकर आए, आज हमारे सर जब वोट लेने आते हैं एक वोट की बहुत कीमत होती है, स्लोगन लिखे जाते हैं दीवारों पर, वोट दीजिए आपका अधिकार है, तो क्या क्या पैसे कमाना, क्या बच्चों को खाना खिलाना, क्या परिवार का पालन पोषण करना हमारा अधिकार नहीं है सर? तो तब बात क्यों नहीं करी जाती है, वोट लेने के टाइम पे वो हमारे अपने हो जाते हैं, हमने सरकार का साथ निभाया है, हमें सरकार से कोई बैर नहीं है, सरकार भी हमसे बैर नहीं रखे, हमें ज्वाइनिंग चाहते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश है भजन लाल सरकार से कि शिक्षा मंत्री जी से बात करके अधिकारियों को त्वरित निर्देश देके, कड़े निर्देश देके कि इनका काम करवाना है जैसे पहले हुआ है वैसे काम करवाना है, तब करेंगे सर। अधिकारी बहुत इंसल्ट करते हैं सर, नहीं सुनते हैं हमारी, नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जब भजन लाल जी कहेंगे तो उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे सर, वो हमारा काम करेंगे, हमें ज्वाइनिंग चाहिए सर। देखिए भर्तियों का जो आरोप है वो ये है कि आप जब सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वहाँ तक हम पहुँचते हैं तब वो हमारी फजीती करते हैं, बेकदरी जो हो वहाँ पे रवैया अपनाया जाता है वो इनके साथ शुरू किया जाता है। जो अब सरकार से इन्होंने मांग की है कि भजन लाल सरकार यदि एक्शन चाहे एक्शन लेकर तुरंत हमको यहाँ पर जो है वो है नियुक्तियाँ जल्दी मिल सकती हैं और अधिकारी जो है आनन फानन में हमारा काम करेंगे। क्या बोलेंगे मैडम आप? मैं उन हटकर्मी अधिकारियों से बोलना चाहती हूँ, उनसे क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी फाइलों को साइड में रखा है, एडिशनल का एक कंडीशनल एक धब्बा बना के या एक छाप लगा के, क्या वो अपनी जेब से हमें सैलरी दे रहे हैं क्या? ये जो सैलरी भी हमारी जनता से ही ली जा रही है, फिर हमारी फाइलों को क्यों साइड में रखा, किस वजह से रखा? मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी सैलरी अपनी हमारी सैलरी अपनी जेब से देना चाहते हैं, दे रहे हो क्या? सरकार के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सके घेरे में है, लगातार जो है इनकी बदसलूकी का शिकार जो है ये अभ्यर्थी हो रहे हैं, और सरकार से साफ साफ मांग की है कि जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ बदसलूकी करते हैं उसको तुरंत प्रकार से रोका जाए। हाल फिलहाल देख सकते हैं कि इन्होंने बाकायदा तख्तियाँ ले रखी हैं, स्लोगन लिखी है, एडिशनल अधिकारी को नियुक्ति दो, अधिकारी व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022, तमाम जो स्लोगन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और अपनी मांग को है वो बुलंद किया जा रहा है। एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं,
क्या नाम आपका, कहाँ से पहुँचे हैं? मैं किसी नहीं सकता हूँ तो उदयपुर से पहुँचा हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस 2022 में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा से गुजरे हैं उन्होंने जितना झेला है उतना अभी तक किसी भी अभ्यर्थी ने नहीं झेला। 2-3 साल तो कोरोना के झेले, उसके बाद रीट एग्ज़ाम जो पेपर चोरी के कारण रद्द हो गया वो झेला, और उसके बाद में वापस प्री एग्ज़ाम दे के बच्चे सेलेक्ट हुए, उसके बाद मेन एग्ज़ाम दिया, मेन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी उसको क्रॉस करके सामान्य अभ्यर्थियों के साथ में मिलके हमने एग्ज़ाम दिया और उसमें हमने उनको पछाड़ कर उनसे ज़्यादा नंबर लाकर हम मेरिट में आए और अब जाके एडिशनल डिग्री कारण या उसके संबंधित किसी भी कारण हमें रोक दिया गया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार जब सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करवाती है, सरकारी यूनिवर्सिटी में जो डिग्रियां हो रही है उसकी पैर भी सरकार उसके पक्ष में अपनी डिग्री को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, सकारात्मक रूप से उनका रुख नहीं करवा पा रही है, सुरक्षित नहीं कर पा रही है, तो फिर हम किससे कहाँ क्या करें? डिग्री उन्होंने सरकार ने करी, हम कहीं बाहर विदेश से तो करके आए ही नहीं कि भाई यहाँ भारत में मान्य नहीं, राजस्थान में मान्य नहीं है, राजस्थान में जो डिग्री हो रही है वो हमने की है। तो हम इस आधार पर सरकार से चाहते हैं कि मानवीय रूप से भावनात्मक रूप से हमारा पक्ष ले और हमें ज्वाइनिंग प्रदान करे। देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एक और है कि सरकार ये कह रही है कि हम आपकी भर्तियों की नियुक्ति जो मांग है वो लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा समय लग सकता है, समय सरकार से समय मांग रही है, क्या कहेंगे आप? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इस मॉनिटरिंग और इस ज्वाइनिंग देने के चक्कर में सरकार एक सरकार चली गई है और दूसरी सरकार आ गई है, तो उससे पहले आचार्य संहिता लगी, 5 महीने 6 महीने हो गए, कब तक लिया जाएगा? और अभी वापस आचार्य संहिता आने वाली है और वापस जुलाई अगस्त नया सेशन स्टार्ट होगा, अगले सितंबर में ज्वाइनिंग दी गई और वापस ये सितंबर आने वाला, हमें 1 साल का वेट हो गया है और इससे ज़्यादा हम क्या पीड़ित होंगे? एक साल तक अगर हमारे साथी जो है वो हमसे आगे हैं और हम उनके 1 साल पीछे पड़ जाएंगे तो आप हम क्या करें? और आगे भविष्य की तैयारी करें या ना करें उसका भी हमें कोई पता नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार से, बजरंग दल सरकार जी से, कि हमारा हम पक्ष ले और हमारे पक्ष में सकारात्मक रूप से रुख अपनाएं और हमें ज्वाइनिंग प्रदान किया। और ऐसा MLA कोई या ऐसा नेता या ऐसा मंत्री अधिकारी कौन है जिससे हमने अभी तक मुलाकात नहीं की है? हर एक से मुलाकात कर चुके हैं, हमारे मामले से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय होता नजर नहीं आ रहा है। अभ्यर्थी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं और साफ साफ कहना है कि जब तक हमारी नियुक्तियाँ हैं हमको नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे।